पंजाब पुलिस में जॉब बहुत टफ होती है, 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तो तैयारी किस तरह से करते थे? 3.5 इयर्स एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सर्व किया. ठीक है, तो पुलिस ने ऐसा एक्सपोजर दिया कि सारे एक्सपोजर पीछे हो गए. ठीक है, बाबर पीएमएस का या सीएसएस का जो भी हम एग्जाम देख लें वो तो टफ ही इतना होता है कि हमने ये परसेप्शन होती है कि जिस बंदे के पास 24 घंटे है ना वही बंदा क्लियर कर सकता है. ये और मेरा जो सिलसिला था वो इस तरह था कि मैं अपनी जॉब के साथ भी मैंने एक बैग पकड़ा होता था और उसके अंदर बुक्स होती थी. टीएसएस या पीएमएस करने वाले लोग हैं वो घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं देते, बस एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और वहाँ पर बैठ के तैयारी कर रहे होते. पढ़ते ज्यादा लिखते नहीं है, और इंग्लिश तब आपको आती जब आप ज्यादा लिखते हैं. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक. इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे. नाजरीन आप सब ने सुना तो होगा कि मेहनत में अजमत है और जब भी कोई इंसान मेहनत करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है. एक ऐसी ही मिसाल आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जो कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया जिसे हम पीएमएस कहते हैं, और पीएमएस क्लियर करने के बाद अब वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं. आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और प्रोग्राम में उनको वेलकम कहते हैं. बाबर अली साहब वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, फिर आपने एग्जाम क्लियर किया पीएमएस का और अब आप असिस्टेंट कमिश्नर का के तौर पर काम कर रहे हैं. तो ये मुझे बताएं कि एक तरफ पुलिस की जॉब और दूसरी तरफ ये मुकाबले का इम्तिहान किस तरह से किया? थैंक यू सो मच फाइक एंड रिमशा फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग मी सच ऑनर. सबसे पहले तो ये जर्नी जो था ये इतना आसान नहीं था, टफ जर्नी था. ठीक है, क्योंकि एक तरफ आप सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और साथ आप कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं. तो बेसिकली मैंने जो यहाँ पे आई बिलीव दैट जो मैंने लर्न किया दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम. जब आप अपने नर्व्स पे एक गोल सेट कर लेते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है, फिर आपने आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि दैट इज़ माई गोल एंड आई हैव टू अचीव इट. ठीक है, और फिर उस दौरान में आपको जाहिर सी बात है सारी डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, और वो प्रॉब्लम्स आते ही उनको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अच्छा तो बाबर पीएमएस का या सीएसएस का जो भी हम एग्जाम देख लें वो तो टफ ही इतना होता है कि हमने ये परसेप्शन होती है कि जिस बंदे के पास 24 घंटे है ना वही बंदा क्लियर कर सकता है. ये मिस परसेप्शन है और लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं ना सुनी सुनाई बातों पर. ठीक है, बेसिकली इसके लिए मैं समझता हूँ कि 6 to 8 hours हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब नहीं भी कर रहे हैं 6 to 8 hours आर मोर देन इनफ. ठीक है, टू एस दिस एग्जाम. सीख करना इसमें ये होता है कि आपने अपना एक टारगेट सेट करना होता है, छोटे छोटे गोल आप सेट करें कि आज मेरा डे का इतना काम है और मैंने इतना करना है. ठीक है, और वो आप उसको सेट कर लें. जब आप वो कर लेंगे आप मजीद नेक्स्ट डे नया गोल सेट कर लेंगे और उस नए गोल को अचीव करेंगे. ठीक है, तो सुनी सुनाई बातों पर लोग बिलीव करते हैं और फिर वो एक हवा सी बन जाती है, डर बन जाता है कि ये मेरे से हो नहीं सकता या नहीं हो पाएगा. तब तक वो चीज़ मुश्किल है या वो इम्पॉसिबल है जब तक हम उसको करते नहीं हैं. करते नहीं. ठीक है, बाबर आपका ताल्लुक ननकाना साहब एक छोटे से कस्बे से है, फिर आप लाहौर आए, लाहौर का एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कभी यहाँ पर कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई आपको? नहीं फाइक, ऐसा कोई मुश्किल नहीं आई, चूँकि मैं यहाँ पर एफ एस सी मेरी इधर से है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग भी इधर से है, उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग किसमें आपकी? मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद मैंने 3.5 इयर्स एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सर्व किया. ठीक है, तो पुलिस ने ऐसा एक्सपोजर दिया कि सारे एक्सपोजर पीछे हो गए. ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में फिर आपने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया और साथ ही फिर पीएमएस भी किया. पीएमएस तो फिर बाद में किया ना, लेकिन तीनों डिफरेंट है ना. फाइक फ्रैंकली स्पीकिंग के राइट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने कुछ 3 to 4 जॉब्स की. ठीक है, मैं एजुकेटर भी था मैथमेटिक्स का. ठीक है, ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर रहे उसके बाद मैंने प्राइवेट 3-4 जॉब्स की. ठीक है, उसके बाद फिर मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तरफ आ गया और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम मेरी सब इंस्पेक्टर की जॉब हो गई. नहीं, ख्वाहिश नहीं थी किसी की, आपके फादर की, कि आप पंजाब पुलिस में जाएं? नहीं, ऐसा ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन चूंकि आप एक स्ट्रीम लाइन में तैयारी कर रहे होते हैं और जो भी जॉब आ रही होती है तब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास वो वक्त ऐसा होता है
कि आप जॉब सीकिंग में होते हैं और जो भी जॉब आपके सामने आती है आप उसको क्लिक करते हैं। और ये जॉब मैंने इसलिए फिर चूज़ की क्योंकि ये लाहौर बेस्ड थी और लाहौर में रह के मैं तैयारी भी कर सकता था साथ साथ, तो दैट इज़ व्हाई आई चूज़ दिस जॉब। बाबर, आप पंजाब पुलिस में थे, पंजाब पुलिस में जॉब बहुत टफ होती है, 24/7 आपको अलर्ट रहना पड़ता है, तो तैयारी किस तरह से करते थे, टाइम किस तरह से मैनेज करते थे, साथ में PMS और साथ में जॉब और साथ में फैमिली को भी देखना बड़ा टफ होता है, किस तरह से करते थे? बिल्कुल ऐसे ही, बहुत टफ था, ठीक है। और इसमें फिर वही मैंने जैसे बात की, साइकोलॉजिकल मैंने अपने आप को मैनेज किया, जॉब बहुत टफ थी पुलिस की। और मेरा जो सिलसिला था वो इस तरह था कि मैं अपनी जॉब के साथ भी मैंने एक बैग पकड़ा होता था और इसके अंदर बुक्स होती थी। अच्छा, आपसे पहले भी एक सब इंस्पेक्टर है तो उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ जाता था बुक्स साथ बुक्स बुक्स साथ साथ होती थी। और ये नहीं कि हमने अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की है और मतलब चोरी चोरी होकर तैयारी की है, तैयारी अपनी जॉब की है और जहाँ पे आपको नज़र आया कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम मिल सकता है, वक्त मिला और लिए टाइम है आपके पास, वहाँ पे बजाय इधर उधर घूमने के या कुछ और करने के स्टडी पे फोकस किया, ठीक है। बुक्स आद होती हैं, फिर उसके बाद क्योंकि मैं 8 घंटे की शिफ्ट होती है पुलिस में, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे मैं 6 to 8 hours लाजमी स्टडी किया, मतलब एक मैंने प्लान बनाया हुआ था और फैमिली के साथ भी जाहिर सी बात है आपने टाइम तो देना होता है और वो संडे आपके पास होता है। मदर्स खास तौर पे बड़ी इमोशनली अटैच होती हैं बच्चों से, मुझे टाइम नहीं दे रहे, वो बीमार पड़ जाती हैं बच्चे, उन पे तवज्जो नहीं देते। परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि कहा जाता है कि जो CSS या PMS करने वाले लोग हैं वो घर वालों को बिल्कुल टाइम नहीं देते, बस एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और वहाँ पर बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं। ये थोड़ी सी मिस परसेप्शन है, फैमिली को तो आप लाजमी टाइम देते हैं, ये कि आपका जो सर्कल होता है ना सोशल, वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। आप अगर सोशल सर्कल आप बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर जाहिर सी बात आप उनको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, टाइम स्केड्यूल करना पड़ता है, आपका सोशल सर्कल लिमिटेड करना, ये नहीं कि सारा खत्म कर देना, उसको लिमिटेड कर लें और उसी के ऊपर साथ लेके चलें, ठीक है। तो PMS करके फिर नए दोस्त तो बन जाते हैं, नया सोशल सर्कल बन जाता है, उसे एंजॉय करते हैं, सोशल सर्कल आपको चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज। जब आप PMS की तैयारी कर रहे थे या CSS की तैयारी कर रहे थे, आपको पता था कि अगर मैं PMS क्लियर करता हूँ तो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम करूँगा, उस दौर में कुछ ऐसा सोचा हो कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊँगा तो मैं ये काम करूँगा, और अब माशाल्लाह से आप बन चुके हैं, क्या सोचा था, कुछ ऐसा सोचा था कभी? जी फाइक, बिल्कुल, मैंने जो एक अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया वो यही था कि जो लोग जिन लोगों के पास सिफारिश नहीं होती, ठीक है, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। यहाँ पे जब ड्यूरिंग सब इंस्पेक्टर भी मैंने देखा कि जिन लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं होता वो अल्लाह की आस पे आते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती हमारे ऑफिसेज में या जहाँ पे भी आप देख लें, ठीक है। तो मैंने ये अपने माइंड के अंदर क्लियर माइंड था कि जब भी अल्लाह ने मुझे कोई बड़ी पोस्ट दी तो मैं इन गरीब लोगों की और बेसहारा जो लोग हैं इनकी आवाज़ बनूंगा, हेल्प करूंगा, और अगर जिनकी सिफारिश नहीं है कोई बगैर रेफरेंस के भी आपके पास आ जाता है तो उनकी हेल्प आउट करूंगा, ये मेरे माइंड के अंदर एक। अच्छा बाबर, PMS या CSS या कोई भी जिंदगी में कोई भी टारगेट आपने सेट कर लिया है उसे अचीव करने के लिए, अगर मैं एक लफ्ज में आपको कहूं कि ये चीज बहुत जरूरी है तो वो कौन सी चीज होगी? दैट इज अ कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटेड रहें। अगर आपको फेलियर होती है तो लर्न फ्रॉम द फेलियर, आप फेलियर से लर्न करने की हिम्मत ना हारें, आगे कमिटेड रहें आप, ठीक है। आपके बल्कि आपको फेलियर एक नई, मैं कहता हूँ, स्पाइक देती है, एनर्जी देती है कि आप मज़ीद आगे निकलने के लिए और मज़ीद मेहनत करते हैं। तो कमिटमेंट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस जर्नी। आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन कौन था? इंस्पिरेशन मैं खुद ही था, ठीक है, मैं अपने आप से इंस्पायर होता था। होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, ऑब्वियसली बात है फाइक भाई, कि आपको फैमिली सपोर्ट करती है, ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ये नहीं कि सारे फ्रेंड्स आपको दुआएं दे देते हैं, लेकिन ये एक सपोर्ट आपकी सिर्फ कोई एक ऐसा होता है कि जिसको आप क्रेडिट देते हैं कि यार हाँ इसको क्रेडिट दूंगा, ये मेरी मेहनत के पीछे था। क्रेडिट मैं अगर देना चाहूँ ना एक बंदे को तो वो मेरे वालिद साहब हैं, ठीक है। ही वॉज आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, और जाहिर सी बात है उन्होंने जो जिंदगी के अपने मामला देखे हैं या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किए हैं उन्हीं से मैं सीखूंगा, क्योंकि वो एक रैंकर स्पाई भर्ती हुए थे और वो सुबेदार मेजर के रैंक पे रिटायर्ड हुए। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि हमारे नाज़रीन में बहुत से लोग इस वक्त जॉब भी कर रहे होंगे, CSS की तैयारी कर रहे होंगे, इसके साथ साथ PMS की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से वो टाइम फ्रेम के बनाए अपना और उसमें वो तैयारी करें? और उसके बाद खासतौर पर जो फाइक एक बड़ा अब मुश्किल मरला होता है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का होता है। हाँ। हमें ये नहीं पता होता हमने क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हम रेंडमली, क्योंकि मुझे बाबर ने ये कहा है और वो पास हो गया। हाँ। था तो मैं भी पास हो जाऊंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। वो आप थोड़ा मशवरा देंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के? पहले मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन पे रिमशा की बात का जवाब दे दूं, वो ये है कि पहले तो आपने देखना होता है अपनी अपना बैकग्राउंड, आपका क्या एजुकेशन, फिर आपने देखना होता है इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, ठीक है, मैंने क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैंने मेरा इंटरेस्ट भी फिजिक्स में, फिजिक्स पढ़ाता भी रहा तो मैंने फिजिक्स को सिलेक्ट किया।
ठीक है, अगर मुझे कोई बताता कि IRF सब्जेक्ट रखें, पोल साइंस रखें, तो मैं वो चूज़ ना करता, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था और मेरा बैकग्राउंड भी कुछ फिजिक्स से रिलेटेड था। नंबर वन तो ये है, ठीक है, आप किसी की कहने पे सब्जेक्ट सिलेक्शन ना करें, बल्कि ख़ुद से करें इंटरेस्ट पे, ठीक है, और उसमें देख भी लें आपका स्कोरिंग ट्रेंड, एक बड़ा वर्ड चलता है, उसको छोड़ के आप अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें आपका एक्सपर्टीज शामिल है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो शामिल है और आपका इंटरेस्ट शामिल है, ठीक है। पवन मुझे ये बताएं, बल्कि नाज़रीन को बताएं, कि जब CSS में या PMS में बाकी सब्जेक्ट ऑप्शनल भी हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एक जो इंग्लिश का पेपर होता है वो उससे एक ऐसा नाइटमेयर है जो कि आज तक किसी को समझ नहीं आया, हम ऐसे में फेल हो जाते हैं। जिस तरह आपने पहले बताया कि मैं प्रेसी से एक नंबर से रह गया हूँ, हम इंग्लिश में इतनी रेशो से फेल क्यों हो रहे होते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पढ़ते ज़्यादा है, लिखते नहीं हैं। अच्छा। और इंग्लिश तब आपको आती है जब आप ज़्यादा लिखते हैं। अच्छा। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको राइट डाउन करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, इधर से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, उनके पास नॉलेज जो होता है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। करंट अफेयर के लिए क्या करें? करंट अफेयर के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं वो अखबार वात वगैरह पढ़ते रहते हैं, मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, लेकिन न्यूज़ नहीं देखते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चीज़, क्योंकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, परसेप्शन लेवल है, वो जब आप सी करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, वो ज़्यादा होता है। विजुअल मेमरी ज़्यादा होती है, जो आप रीडिंग कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो रीडिंग के साथ साथ आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं आपके, उनको लाजमी देखें आप। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आपको कवर अप हो जाता है, साथ आपके इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं उनको पढ़ें, और न्यूज़ पेपर तो मस्ट है। बाबर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मेहनत में अज़मत है, और जैसा कि बाबर ने बताया कि किस तरह आपने जो है जॉब के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो जॉब नहीं भी कर रहे या जो जॉब कर रहे हैं, दोनों के लिए जो है वो बहुत सारी जो क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर नहीं थे कि हम किस तरह तैयारी करें, किस तरह एक सब्जेक्ट को आगे लेके चलें, और जिन जिन सब्जेक्ट्स में उन्हें मुश्किल होती थी, हमने वो कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आंसर्स किए जाएँ। इसके साथ ही साथ जो है आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर फॉलो करना है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।